इंग्लिश में मॉडल वर्ब्स के आधार पर मे का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, परमिशन दिखाने के लिए मे आई कम इन, और ब्लेसिंग्स के लिए भी किया जाता है, भगवान आपका भला करे, मे गॉड ब्लेस यू। अपार्ट फ्रॉम दिस इसे पर्पस के लिए और बहुत सारे वेरिएशंस में रखते हैं। माइट का इस्तेमाल पास्ट टेंस में भी करते हैं, ऑफ कोर्स अगर स्टार्टिंग पास्ट में है तो आप माइट को ही इस्तेमाल में लीजिए, लेकिन माइट का इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में भी किया जाता है जब आपको लेस पॉसिबिलिटी मार्क करनी हो। नमस्कार, दिस इज कपिल देव शर्मा एंड आई वंस अगेन वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा। दिस इज द 10th वीडियो ऑफ वर्ब्स इन इंग्लिश। और हाँ, एक बार मार्क करना चाहूँ कि मेरे चैनल पर हर चीज़ की प्लेलिस्ट अलग से अवेलेबल है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स और वर्ब्स तक पढ़ा चुका हूँ, ग्रामर आप सेपरेट प्लेलिस्ट है, चेक कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वोकैबुलरी के idiom phrases, रूट वर्ड्स, वन वर्ड्स की भी सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं। और पिछले ही महीने आप में से कई लोग जिनके एग्जाम बहुत नियर हैं, आपके कहने पर मैंने आपके लिए कुछ फंक्शनल इंग्लिश भी अपलोड की थी, जिसमें RCs, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अलग प्लेलिस्ट है, चेक कर सकते हैं, क्लोज टेस्ट और आपके पैराजम्बल्स और सेंटेंस रीअरेंजमेंट के भी वीडियोस आपसे शेयर किए थे। और इसके अलावा एरर डिटेक्शन की कई सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें के बीते पिछले कई एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस आपको आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन मार्क किया। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप और भी डेटा चाहते हैं मेरे चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप मेरे प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर एक बार उसको चेक कर लीजिएगा, आपको बाखूबी ग्रामर, वोकैबुलरी और ये सारी चीजें मार्क हो जाएंगी। रिज्यूमिंग वर्ब्स इन इंग्लिश, बहुत समय बाद हाँ मानना चाहूंगा इस बात को। तो एक बार क्विक रिकॉल के वर्ब्स में हमने क्या पढ़ा अभी तक। इन द वेरी फर्स्ट वीडियो आई अपलोडेड इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब्स इन इंग्लिश, जिसमें आपको डिवाइड किया कि वर्ब्स को किस किस तरह से डिवाइड किया जा सकता है। सेकेंड वीडियो में आपको मार्क किया ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है, या फिर सेंटेंस में उन्हें पहचाना कैसे जा सकता है। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वीडियो में काफ़ी सारे वर्ड्स आपसे डिस्कस किए, जिनको एग्जाम्स में भी एरर डिटेक्शन में पूछा जाता है, और हमारी नैतिक बोलचाल की भाषा में हम उनको गलत भी कर देते हैं। तो एक प्रॉपर यूजेज के लिए थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वीडियो देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब्स इन इंग्लिश, मोस्ट कन्फ्यूजिंग वर्ब्स इन इंग्लिश और होमोनिम्स और पैरानिम्स जैसे वर्ड्स जिनके प्रोनंसिएशन सेम है, मीनिंग अलग अलग है, ETC। और उसके बाद सिक्स्थ वीडियो में आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी बी के इस्तेमाल करके दिखाया कि कहां पर इज, एम आर, वॉज वर्ब को हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की तरह या जो भी यूजेस होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में यूज ऑफ हैव इन इंग्लिश, हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज के सारे यूजेस, दो बार हैड कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको यूज ऑफ डू इन इंग्लिश, जहां पर डू, डज, डिड, डूइंग, डन ऐसे इस्तेमाल, और डू एम्फेसिस भी बताया था। मेरे मामा जी की शादी में जलूल जलूल आना, किसी सेंटेंस को डू की सहायता से एम्फेसाइज भी किया जा सकता है। और लास्ट वीडियो में आपसे इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडल वर्ब्स मार्क किया कि क्यों किसी भाषा में, मैं इंग्लिश की ही बात करना चाहूँ, मॉडल्स को इजाद किया गया, क्यों मॉडल्स को इस्तेमाल करते हैं, क्या फर्क पड़ता है मॉडल्स को इस्तेमाल करने से, भले ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात हो या फिर हमारी नैतिक बोलचाल या फिर स्पोकन इंग्लिश की बात हो, या फिर उनको हटाने से या रखने से क्या फर्क पड़ता है। तो एक थीम जरूर रखना चाहूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो डिटेल्स के लिए देख लीजिएगा। किताबों के रूल तो हम याद कर लेते हैं कि शुड का इस्तेमाल सर यहाँ पर होता है ना, ऑट टू यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, मे का इस्तेमाल वहां पर होता है, फाइन, बट ना ही नैतिक बोलचाल में हम ये रूल काम आते हैं और ना ही किसी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि शुड का इस्तेमाल कहां पर करते हैं। आपको सेंटेंस देखकर उसकी थीम, टोन, और लास्ट वीडियो में जो आपको शेयर किया कि मॉडल्स एक्सप्रेस मूड इन इंग्लिश, उसके नजरिए के हिसाब से भी आंसर रखने पड़ते हैं। और वही हमारे बोलचाल की भाषा का महत्व है कि मैं जा सकता हूं, आई मे गो देयर, संभावना भी, इनविटेशन है तो मैं तो जा सकता हूं, आई कैन गो देयर, मुझे हर कीमत पर जाना चाहिए, आई मस्ट गो देयर, हाँ जाना चाहिए, आई शुड गो देयर, कर्तव्य बनता है, आई ऑट टू गो देयर, अरे हम लोग तो जाया करते थे, आई यूज टू गो देयर, पक्का जाऊंगा, आई विल गो देयर, देखूंगा, आई शैल गो देयर, क्या जरूरत थी जाने की, नीड, और हिम्मत कैसे हुई, डेयर जैसी मॉडल्स को हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसी लाइन को आगे रिज्यूम करना चाहूं इस बात के सहारे कि चाहे वो स्पोकन हो या कॉम्पिटेटिव पर्पस हो, बार बार आपसे कहा, मॉडल्स एक्सप्रेस मूड, एक मॉडल वर्ब हमेशा सेंटेंस में काम करने का नजरिया दिखाती है। स्टार्टिंग दिस वीडियो हियर, द वेरी फर्स्ट वन, यूज ऑफ मे एंड माइट इन इंग्लिश, और इसके आगे कैन और कुड, और आगे आपकी मॉडल्स रहेंगी। जब आप मे और माइट की बात करना चाहें तो एक छोटी सी लाइन याद आ जाती है, चाहे बचपन से ही क्यों ना पढ़ी हो, कि जैसे विल का पास्ट वुड हो जाता है, जैसे शैल का पास्ट शुड हो जाता है, जैसे कैन का पास्ट कुड हो जाता है, वैसे ही मे का पास्ट मुड हो जा
आना मुड नहीं, माइट मार्क किया जाता है। जी हाँ, तो मे का पास्ट वर्जन माइट है। इसका इस्तेमाल हम एग्जाम्स में और अपनी डेली लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं। डिटेल्स बाद में, लेकिन यहां से स्टार्ट करना चाहूं कि मे और माइट, ऑब्वियसली मैं पहले स्टार्टिंग में वही कहूंगा प्रेजेंट टेंस में मे, पास्ट टेंस में माइट, हालांकि माइट को प्रेजेंट टेंस में भी इस्तेमाल करते हैं, वो डिटेल्स बाद में। मे के बेसिक्स के आधार पर मुझे याद है कि बचपन से इन तीन लाइन को मैंने हमेशा सुना है और इन्हीं से मे का इस्तेमाल डिराइव किया जा सकता है। द वेरी फर्स्ट वन, क्लास में आने से पहले परमिशन लेते थे, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, जहां पर मे का इस्तेमाल परमिशन के लिए करते थे। तो हाँ, मे का फर्स्ट यूसेज इंग्लिश में परमिशन लेने के लिए करते हैं। फॉर्मल इनफॉर्मल वो सब बात की बात होगी, डिटेल्स बाद में। मुझे याद है कि मे का इस्तेमाल संभावना दिखाने के लिए भी करते हैं, बारिश याद शायद हो सकती है, बारिश, इट मे रेन टूडे, तो मे संभावना, पॉसिबिलिटी, प्रॉबिबिलिटी, जाओगे वहां पर मे बी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, संभावना दिखाने के लिए भी मे का इस्तेमाल करते हैं, परमिशन, पॉसिबिलिटी। और बचपन की एक हमेशा याद है, कोई आपकी तारीफ करे या मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं कि ईश्वर आपका भला करे, आप जो चाहें आपको जरूर मिले, विशेज के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपका भला करे। तो मे के बेस तीन यूजेज में ये तीन लाइंस आपकी आ जाती हैं कि आप परमिशन के लिए मे का इस्तेमाल करते हैं, आप ब्लेसिंग्स के लिए मे का इस्तेमाल करते हैं, और आप पॉसिबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए भी मे का ही इस्तेमाल करते हैं। दो तीन एग्जाम्पल और बोलना चाहूं, अभी लिख कर देखते हैं सारी चीजों को, कि जब मे से हमें हमेशा परमिशन दिखानी हो, स्कूल को कहां भूल सकते हैं, मे आई कम इन, मे आई टेक योर पेन, मे आई लीव, मे आई गो देयर, मे आई टेक दिस एंड दैट। तो मे का इस्तेमाल अक्सर हम पॉसिबिलिटी, आई एम सॉरी, परमिशन के लिए करते हैं इन जनरल। हाँ, आपके मन में होगा सर यहां पर कैन का भी इस्तेमाल तो कर लेते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूं, शायद ये बात नहीं बोली हो, कि हाँ, मॉडल्स चूंकि नजरिया दिखाती हैं, तो इस बात के सहारे, वैसे ये चीजें बाद में, कि अगर मुझे किसी अननोन से परमिशन लेनी है तो वो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन को दिखाएगी, और अगर मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड से परमिशन लेनी है या छोटे भाई से परमिशन लेनी है तो वो नाम मात्र की परमिशन है, उसमें मुझे क्या परमिशन लेनी, मैं तो वैसे ही यूज कर सकता हूं। अब इस नजरिए में फर्क होता है कि सामने वाले पर मेरा अधिकार नहीं है, अननोन है कोई मेरे लिए, या फिर सामने वाले पर मेरा अधिकार है। तो मे और कैन के यूज यही वेरी करते हैं। तो हाँ, मैं इस वीडियो में आपको मे और माइट के यूजेस शेयर करूंगा इन डिटेल। कैन के जो यूजेस हैं जो मे के साथ आ सकते हैं लगभग इक्विवेलेंट, उनको मैं सिर्फ बोल दूंगा, लिखाऊंगा नहीं। वाइस वर्सा, जब हम कैन और कुड का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो वहां जो मे का इस्तेमाल होगा, जो मैं यहां लिख चुका हूं, वहां पर आपको सिर्फ मार्क करूंगा, वहां पर लिखाऊंगा नहीं, ठीक है। तो इन तीन वर्ड्स के सहारे परमिशन के लिए मे का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, पॉसिबिलिटी के लिए, तो मैंने आपको वही एग्जांपल लिखा है, इट मे रेन टुडे, बारिश हो सकती है। अगर उसकी सैलरी नहीं बढ़ाई तो वो रिजाइन भी कर सकता है, ही मे रिजाइन इफ ही इज नॉट गिवन अ सैलरी हाइक। अगर उसकी सैलरी नहीं बढ़ाई तो वो रिजाइन कर सकता है, संभावना है। देखो, सैलरी नहीं बढ़ी तो इंसान कहीं और ट्राई करेगा, और उसको बेहतर जॉब मिल गई तो वो छोड़ देगा। हाँ, अगर नहीं मिली तो बेचारा यही काम करता रहेगा। तो पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए आप मे का इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपका भला करे, मे गॉड फुलफिल योर ड्रीम्स, ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। और इसके अलावा जब होली, दिवाली और ईद पर भी ब्लेसिंग्स भेजी जाती हैं तो यही तो लाइन भेजते हैं, मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ, ईश्वर करे आप अपनी जिंदगी में फूले भले, आपको समृद्धि मिले, ईटीसी। तो इन तीन बेस एग्जांपल्स के साथ मैं स्टार्ट करना चाहूं यूज ऑफ मे एंड माइट इन इंग्लिश, कि मे परमिशन, ब्लेसिंग्स और पॉसिबिलिटीज को मार्क करता है। हाँ, चाहे वो स्पोकन हो या फिर कॉम्पिटेटिव इंग्लिश, जनरली मे का पास्ट वर्जन माइट होता है तो वहां पर हम माइट यूज कर लेते हैं। तो अक्सर जिन सेंटेंसेस की स्टार्टिंग पास्ट में है उनमें आगे मे की जगह माइट को प्रेफर करते हैं। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा होगा, माइट को प्रेजेंट टेंस में भी यूज करते हैं, बट वो बाद में। पहले बेस से स्टार्ट करना चाहूं कि अगर सेंटेंस लिखा है ही सेज ही मे बी लेट तो ये चलेगा, या ही विल से ही मे बी लेट, सही है। लेकिन अगर स्टार्टिंग ही है कि ही सेड, अब उसमें आगे आप नहीं लिख सकते कि ही सेड दैट ही मे बी लेट, ही सेड दैट ही माइट बी लेट लिखना होगा, क्योंकि बात पास्ट की है, अब तक तो वो काम हो चुका होगा। सबसे बढ़िया इनका इस्तेमाल होता है, चाहे एग्जाम हो या कैसे भी हो, नरेशंस को ट्रांसफॉर्म करने में, जहां पर सेंटेंस होते हैं ही सेड टू मी और वहां लिखा होता है आई मे बी लेट टूडे, मैं शायद आज लेट आ सकता हूं, तो ये किसी और दिन की बात रही ना, ही टोल्ड मी दैट ही माइट बी लेट दैट डे। तो सबसे ज्यादा माइट का इस्तेमाल नरेशन में करते हैं, जहां पर सेंटेंस की स्टार्टिंग पास्ट में है और उसे मे के ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन पर माइट लिखा जाता है। एक और बात आ जाती है, फिर एग्जांपल से देखते हैं इन सारी चीजों को। कई बार भाषा में हम अनफुलफिल्ड काम भी करते हैं, जिसे सब्जंक्टिव मूड कहा जाता है। मैं एक सेपरेट वीडियो में शेयर करूंगा आपको मूड
पढ़ाते वक्त शुड के सहारे इस बात को मैं समझा पाऊं, लगभग हर मॉडल के साथ ये काम होता है। मैं दो लाइन आपसे कहना चाहूं, एक नजरिया समझिएगा, शायद कुछ अच्छा बोलना चाहूं। यार तुम्हें मुझे बताना चाहिए, तुम्हें मुझे बताना चाहिए, यू शुड इन्फॉर्म मी, ये ठीक है, प्रेजेंट टेंस है, यू शुड इन्फॉर्म मी, तुम्हें मुझे बताना चाहिए, फाइन। अब आप शैल का शुड पास्ट लेकर आ चुके, आप कैन का कुड पास्ट लेकर आ चुके, मे का माइट ला चुके या ईटीसी, क्या इससे भी ज्यादा पास्ट में आप जा सकते हैं? तो वो पॉसिबल नहीं है। अब मैं कैन का कुड कर सकता हूं, कुड का पास्ट तो नहीं हो सकता ना, या मे का माइट करने के बाद उसका पास्ट नहीं हो सकता। अब शुड का पास्ट क्या होता है? तो वो किसी का खुद ट्रांसफॉर्मेशन है, शैल का खुद से शुड बनता है। अब अगर मुझे ये लाइन कहनी हो, एक अच्छी लाइन बोल रहा हूं, प्लीज समझिएगा, जो इस वीडियो में काम आएगी, लेकिन हाँ एक थीम जो हमेशा आपको काम आएगी, तुम्हें मुझे बताना चाहिए, यू शुड इन्फॉर्म मी, यार तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। अब मैं इसको क्या बोलूं, तो आप में से कई लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं आप पर मेरी इंफेसिस है, यू शुड इन्फॉर्म मी, तुम्हें मुझे बताना चाहिए, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। अब ये पास्ट कहां से ले आऊं? तो बेसिक्स मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में मार्क कर दिए थे, रामबाण ध्यान रखिएगा, मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वी टू में लगा नहीं सकता, यू शुड इन्फॉर्म्ड मी, यू शुड वेंट देयर, गॉन देयर, इम्पॉसिबल। और मॉडल्स को अपने सब्जेक्ट से भी फर्क नहीं पड़ता, ये मैं आपको बेसिक्स फर्स्ट वीडियो में शेयर कर चुका हूं। फिर मैं कहां से बनाऊं? तो जी हां, आप में से कई लोग जो जानते हैं, और आप भी ध्यान रखिएगा आज के बाद, यू शुड इन्फॉर्म मी, तुम्हें मुझे बताना चाहिए, यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। अब ये बात वहां हो जाती है कि बताना चाहिए था बट तुमने बताया नहीं। ऐसे केसेस में पास्ट में हम हैव के साथ थर्ड फॉर्म देकर उसकी अनफुलफिल्ड या फिर एक ऐसी चीज जो होनी चाहिए थी लेकिन हो नहीं पाई दर्शाते हैं। जैसे एक लाइन और कह दूं, फिर मैं लिखने के बाद इन चीजों को दिखाऊं, कि वो चाहता तो वहां पर जा सकता था, ही कुड गो देयर, ना ही कुड हैव गॉन देयर, भाई मैं चाहता तो तुम्हारे पिता से शिकायत कर सकता था बट मैंने नहीं की। अगर वो चोर चाहता तो वो पैसे रख भी सकता था बट शायद उसने नहीं रखे। ऐसे केसेस में आप माइट हैव पास्ट का और ये अनफुलफिल्ड डिजायर या फिर कुड के वीडियो में देखेंगे कुड हैव जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं तीन लाइंस के साथ, कि मे का इस्तेमाल या फिर पास्ट में माइट, पॉसिबिलिटी हो सकता है, मे बी, परमिशन मे आई कम इन, और आपकी ब्लेसिंग्स के लिए किया जाता है। जी हाँ, तो जो वर्ड्स आपको अभी मार्क किए, इन तीनों एग्जांपल्स के सहारे मार्क करना चाहूं कि इंग्लिश में मे पॉसिबिलिटी, परमिशन और ब्लेसिंग्स के काम आती है। ये तीन रेफरेंस एग्जांपल जो मैं हमेशा लिखाता हूं, या फिर कहिए कि दिमाग में आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूं हमेशा आप रखें, जिन तीनों के बेसिक्स पर बाकी चीजों को डिराइव किया जा सकता है। द वेरी फर्स्ट वन, मे आई कम इन टर्म्स ऑफ परमिशन, इट मे रेन टुडे इन टर्म्स ऑफ पॉसिबिलिटी, और मे गॉड ब्लेस यू इन टर्म्स ऑफ ब्लेसिंग्स। मुझे पता है लाइव नहीं है, लेकिन आप में से कई लोगों के मन में अभी तक तो होगा, सर यहाँ कैन का भी तो इस्तेमाल करते हैं परमिशन लेने के लिए आजकल, वो चीजें थोड़ी देर से देखिएगा, और वो कैन के वीडियो में है तो डिटेल वहां पर, बट हाँ ओवरव्यू आपको यहाँ भी मार्क करना चाहूंगा। ये कुछ और एग्जाम्पल्स लिखे हैं इन्हीं थीम के आधार पर, हो सकता है वो पॉसिबिलिटी हो सकता है वो परमिशन हो, या फिर आपकी ब्लेसिंग्स हो सकती है। ही मे बी एट होम, वो पता नहीं यार घर पर होगा शायद, देखना घर पर हो सकता है अपने, नाउ ये मेरी पॉसिबिलिटी है बिकॉज मुझे वो नहीं पता, वो अपने घर हो सकता है या फिर घर नहीं हो सकता। एक मेरी बात भी सुन लीजिएगा, अगर आपको ठीक लगे तो फॉलो कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है जितनी बुक्स को, जितने रेफरेंसेस मैंने देखे हैं इंग्लिश में, मेरी थोड़ी सी सोच कहना चाहूं, अगर ऑकवर्ड लगे माफ कीजिएगा, ये तीनों चीजें भी इनडायरेक्टली एक ही चीज को रिप्रेजेंट करती हैं, चाहे उसे परमिशन कहिए, चाहे उसे पॉसिबिलिटी कहिए, या फिर ब्लेसिंग्स कहिए। आई रिपीट, ये मेरे शब्द हैं, अगर आपको बुरे लगते हैं माफ कीजिएगा, मेरी नजर में, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं ग्रामेरियन नहीं हूं, मेरी नजर में मे का सिर्फ एक इस्तेमाल है, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, संभावना दिखाने का, जिसकी बेसिक्स पर ये बाकी दोनों यूज आपके डिराइव किए जा सकते हैं। इस बात को थोड़ी देर से बोलता हूं, पहले और एग्जांपल देख लेते हैं। तो परमिशन, पॉसिबिलिटी एंड ब्लेसिंग्स, हाँ ही मे बी एट होम, वो घर हो सकता है इस वक्त, पता नहीं यार अभी तो सो रहा होगा शायद, हो सकता है सामने वाला उठ भी गया हो लेकिन मुझे नहीं पता, तो मेरी नजर में वो मात्र पॉसिबिलिटी है, वो घर हो सकता है, इस टाइम तक घर पहुंच जाता है, घर पर होगा अपने। मे यू लिव हैप्पीली इन योर लाइफ, मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ, मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आप बहुत, आपकी उम्र बहुत लंबी हो, बहुत लंबे जी हैं आप, तो मे यू लिव हैप्पीली इन योर लाइफ, अपनी जिंदगी में आप खुशहाल रहें हमेशा, ईश्वर आपको जो चाहते हैं वो दे, उस केस में आप इसको
पॉसिबिलिटी में नहीं रखेंगे, परमिशंस में नहीं रखेंगे, दैट मस्ट बी योर ब्लेसिंग्स इन जनरल। तो ये आपकी ब्लेसिंग्स के लिए हो गया, मे गॉड ब्लेस यू ईटीसी। सिमिलरली आई थॉट, मुझे ऐसा लगा कि शायद वो जाग रहा होगा। तो जब स्टार्टिंग पास्ट में है, मैं यहाँ पर मे लिखने वाला था, टू बी ऑनेस्ट वो माइट लिख गया तो मैंने काटा नहीं उसे, लेकिन मेरा मन था कि यहाँ मे लिखकर आपके सामने उसे क्रॉस करूं। और आप लोग जो एग्जाम के लिए हैं, बेसिकली प्लीज ध्यान रखिएगा, स्पोकन में मुंह से गलत निकल जाएगा, कोई डांटने वाला नहीं है, लेकिन एग्जाम्स में उसका माइनस मार्किंग तक हो जाती है। तो अगर स्टार्टिंग पास्ट में है, ही थॉट, आई थॉट, या फिर ही टोल्ड मी, ही आस्क्ड मी, ऐसे स्टेटमेंट्स में मे का ऑप्शन होगा, बट उसे पिक ना करके वहां पर हमेशा माइट रखिएगा। जब स्टार्टिंग ही पास्ट में है, पूरी थीम पास्ट में रखिए, वहां पर हमेशा माइट का इस्तेमाल किया जाता है। मे आई बोरो योर साइकिल, या फिर बाइसिकल कह दीजिएगा, क्या मैं आपकी गाड़ी ले जा सकता हूँ, ये मेरी परमिशन है आपसे, इसीलिए बेहतर होगा मैं यहाँ पर मे का इस्तेमाल करूँ। और परमिशन देने के लिए भी कह दीजिए, यस यू मे, हाँ जी आप ले जा सकते हैं, उस केस में आपकी पॉसिबिल आपकी परमिशन वापस रहेगी, चाहे लेने की बात हो जाए या फिर देने की बात हो जाए। और सिमिलरली वी ईट, हम लोग खाते हैं, सो दैट वी मे लिव, ताकि जिंदा रह पाए या जिंदा रह सकें। अब हम लोग खाते हैं, ये बात सच है, ताकि जिंदा रह सकते हैं। मैं एक बात कहना चाहूँ, अलग अलग ग्रामरियंस के अलग अलग मत हैं, कई बुक्स में आपको लिखा मिल जाएगा, इंडियन बुक्स में ही, कि इंग्लिश में मे का इस्तेमाल पर्पस दिखाने के लिए भी करते हैं। पर्पस मतलब इंटेंशन दिखाने के लिए, आपका पर्पस को हिंदी में क्या बोलूँ, आप लोग जानते होंगे। तो पर्पस दिखाने के लिए भी इंग्लिश में मे का इस्तेमाल किया जाता है, काफ़ी बुक्स में लिखा होता है। आप सुबह जल्दी क्यों उठे थे, ताकि मैं पहली ट्रेन पकड़ पाऊँ, भई एक कुत्ते को बांध दीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि किसी को खा जाए, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर आपका उद्देश्य, हाँ जी मैं वही सोच रहा था पर्पस को हिंदी में क्या बोलते हैं, आपका उद्देश्य दिखाने के लिए भी मे का इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी बुक्स में लिखा होता है। ये एग्जाम्पल इंग्लिश में एक प्रवर्ब भी है, और अक्सर स्टैंडर्ड के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा भी होगा आपके एग्जाम पर्पस से कि सो दैट की पेयरिंग भी कई बार काफी बुक्स लिखती हैं कि मे के साथ होती है। हाँ, इंग्लिश में मे का इस्तेमाल पर्पस दिखाने के लिए भी करते हैं, बट मैं चाहूंगा कि आप उसे उसी थीम में रख लीजिएगा। हम लोग खाते इसीलिए हैं कि जिंदा रहेंगे, इस बात की श्योरिटी नहीं है, लेकिन संभावना बन जाती है कि अगर हेल्थ अच्छी होगी तो आप लंबे समय तक जिएंगे। तो इन तीन एग्जांपल्स से आपको दिखाया कि मे आई कम इन, परमिशन है, बारिश हो सकती है, मे बी पॉसिबिलिटी है, ईश्वर आपका भला करे, ब्लेसिंग्स हैं आपकी, वो घर पर हो सकता है, ये संभावना है। आप अपनी जिंदगी में अच्छे रहें, अच्छा सब कुछ करें, बहुत खुशहाल जिए, ये ब्लेसिंग्स हैं मेरी आपके लिए, विशेज हैं, प्रेयर्स हैं मेरी। मुझे लग रहा था शायद वो जाग रहा होगा, बट वो सो रहा था, जो भी आप कहना चाहें, पास्ट की बात है, मैं ही इस्तेमाल करें, बट माइट फॉर्म में। क्या मैं आपकी गाड़ी इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या मैं दो दिन के लिए आपकी गाड़ी ले जा सकता हूँ, मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ, क्या मैं वहां पर बैठ सकता हूँ, ऐसे सारी परमिशन लेने के लिए मे, और देने के लिए भी मे का ही इस्तेमाल करें, और पर्पस दिखाने के लिए भी काफी बुक्स लिखती हैं मे का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अगर डाउट है आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मेरे कुछ वर्ड्स थे आपको, जो मेरी सोच है, आई रिपीट, अगर गलत लगे, ऑकवर्ड लगे, प्लीज माफ कीजिएगा, मेरी खुद की समझ में मुझे लगता है कि इंग्लिश में मे का सिर्फ एक ही इस्तेमाल है, पॉसिबिलिटी के लिए। ये बाकी सारे भी, अगर मैं इसको पर्पस भी कहना चाहूं, तो ये सारे भी उसके डेरिवेटिव्स हैं। आई रिपीट, इंग्लिश में मेरी नज़र में मे का इस्तेमाल सिर्फ पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए करते हैं, संभावना दिखाने के लिए। परमिशन और ब्लेसिंग्स भी उसी का एक रोल कह दीजिए, एक हिस्सा कह दीजिएगा। मतलब अगर मैं क्लास में टाइम पर एंटर होता हूँ तो मुझे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैं अपनी ही किताबों को अपने कहीं से उठाना चाहूँ तो मुझे पिता से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद उठा सकता हूँ उनको। लेकिन मैं क्लास में काफ़ी लेट पहुँचा, अब मुझे डर है कि टीचर मुझे एंट्री देंगे या फिर नहीं देंगे, तब मुझे परमिशन लेनी पड़ती है। सर, मे आई कम इन, सामने वाला आपको परमिशन दे भी सकता है, परमिशन हमेशा टीचर की बात नहीं हो रही, कहीं भी लाइफ में रख लीजिए, आपको एक पॉसिबिलिटी बन जाती है कि सामने वाला आपको परमिशन दे भी सकता है, सामने वाला परमिशन नहीं भी दे सकता। और इनडायरेक्टली कह दीजिए, परमिशन उसी बात के लिए ली जाती है जहां पर संभावना हो कि मैं वो कर भी सकता हूँ या फिर नहीं भी जा सकता हूँ। पापा, वो दोस्त लोग घूमने जा रहे हैं, मैं उनके साथ चला जाऊं, तो पिताजी से परमिशन लेनी पड़ती है। क्यों? पिताजी हाँ कर सकते हैं, ना कर सकते हैं, इस बात की संभावना है। आई रिपीट, ये मेरी सोच है, ऑकवर्ड लगे प्लीज माफ कीजिएगा। तो खुद का पेन इस्तेमाल करने के लिए कभी परमिशन ली?
या खुद की किताबें पढ़ने से पहले या फिर स्कूल जाने से पहले माँ से मम्मी मम्मी स्कूल चला जाऊँ, ऑफकोर्स जाना है आपको, डेली का काम है आपका, या किसी ऐसे फंक्शन के लिए आप हमेशा चले जाते हैं, परमिशन नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपको कहीं पर डर है कि यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, एक बार पूछ लेते हैं, तो पॉसिबिलिटी ही होती है परमिशन में, या फिर कह दीजिए परमिशन वहां ली जाती है जहां पर संभावना हो, जहां पर श्योरिटी है, हम परमिशन मार्क नहीं करते। आशा रखता हूँ आपको थोड़ा बहुत ईजी लगा हो। और सिमिलरली ब्लेसिंग्स यानी दुआएं, माना ये अलग चीज है लेकिन इनडायरेक्टली ये भी पॉसिबिलिटी ही दिखाती हैं। मेरे ये कह देने पर कि ईश्वर आपका भला करे, जरूरी नहीं है कि ईश्वर आपका भला करेगा। ईश्वर आपका भला कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। अदरवाइज दुआएं तो हम खूब करते हैं, भगवान इस बार केमिस्ट्री में नंबर देख लेना, मैं 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। ईश्वर कई बार सुनता है, कई बार नहीं भी सुनता। तो इनडायरेक्टली वही कहना चाहूं, जब आप दुआ करते हैं वो दुआएं कबूल हो सकती है, नहीं भी हो सकती, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। और जब आप परमिशन लेते हैं, कई बार वो परमिशन मिलती है, कई बार वो परमिशन नहीं मिलती, तो परमिशन भी एक तरह से पॉसिबिलिटी ही मार्क करता है, बिकॉज खुद की चीजों के लिए हम कभी भी परमिशन नहीं लेते। ये मेरा मत था, इजी लगे आप फॉलो कर सकते हैं, नहीं लगे कोई बात नहीं। इंग्लिश में 3 बेसिक यूजेस के आधार पर, मे और माइट, फॉर परमिशन, फॉर पॉसिबिलिटी एंड फॉर ब्लेसिंग्स। आगे और भी एग्जांपल्स हैं, पर हाँ इनसे भी मैं आपसे कह दूं कि हाँ मैंने माना इंग्लिश में मे की जगह आजकल कैन का भी इस्तेमाल होने लगा है। डिटेल्स आप कैन कोड के वीडियो में देखिए, नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन फर्क उसी बात का पड़ता है, प्लीज सोच अच्छी रखिएगा। जो आपसे फर्स्ट वीडियो में कहा कि मॉडल्स एक्सप्रेस मूड, और आजकल की भाषा में, भाषा दो तरह से होती है, कई बार आपको समझाया अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं, फॉर्मल इंग्लिश और इनफॉर्मल इंग्लिश। तो अगर इनफॉर्मल इंग्लिश में देखें तो आप कहीं भी कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब फॉर्मल इंग्लिश की बात की जाती है तो वहां पर मे को ही प्रेफरेंस दिया जाता है। सिमिलरली परमिशन देने के लिए भी मे का ही इस्तेमाल करें, लेकिन अगर इनफॉर्मल इंग्लिश की बात करनी है तो वहां पर हम कैन का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो फॉर्मल इनफॉर्मल फर्क जाता है। सर ये समझ नहीं आया फॉर्मल इनफॉर्मल, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहा था, अगर मुझे किसी अननोन से परमिशन लेनी हो, भैया 2 मिनट के लिए आप रुकेंगे प्लीज, अगर मैं ये चीज आपकी थोड़ी सी मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरी गाड़ी नहीं चल रही है, सामने वाला आपको परमिशन दे सकता है नहीं दे सकता, आप वहां प्लीज मे का इस्तेमाल करें, चाहे आपका स्पोकन का पार्ट हो या फिर आपके एग्जाम की बात क्यों ना हो। लेकिन सामने वाला मेरा फ्रेंड है, अब दोस्त के घर कोने में खड़े होकर जाकर कहीं ये नहीं कहते भाई अंदर आ जाऊं, अब वो परमिशन देगा तो आप अंदर जाएंगे, नहीं देगा तो नहीं जाएंगे, आप उसको धक्का मारकर आप अंदर जा सकते हैं। तो वहां जो आपने परमिशन ली उसमें पॉसिबिलिटी नहीं थी, आप कैपेबल थे। आप लोग जानते होंगे कैन हमेशा कैपेबिलिटी दिखाता है, आप पहले से ही कैपेबल थे अपने बेस्ट फ्रेंड के घर जाने पर या रूम पर जाने पर। उस केस में आप नहीं कहेंगे मे आई कम इन, वहां तो आपको वही कहना होगा कैन आई कम इन, या फिर ऐसे किसी भी एग्जाम्पल पर। तो इसीलिए आजकल हम स्पोकन इंग्लिश में, जो लोग स्पोकन के लिए देख रहे हैं इन वीडियोस को, आजकल हम स्पोकन इंग्लिश में ज्यादातर कैन का इस्तेमाल करते हैं परमिशन लेने के लिए, बिकॉज मैं सामने वाले को जानता हूं और वो लिखित में मुझे फॉर्मल लेटर्स लिखकर नहीं भेजने। लेकिन हाँ, आप वहां चाहें तो मे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो एग्जामिनेशंस के लिए मेरे वीडियोस देखते हैं आपके लिए मस्ट है, बिकॉज एग्जाम में फॉर्मल इंग्लिश पूछी जाती है, आप वहां पर हमेशा मे का ही इस्तेमाल करें। कंक्लूजन वही है, इंग्लिश में परमिशन लेने के लिए मे और कैन दोनों का इस्तेमाल करते हैं, गलत कोई नहीं है, बिकॉज मॉडल्स नजरिया दिखाती हैं। अब आपका नजरिया क्या है, अगर फॉर्मल इंग्लिश बोलना चाहते हैं मे का इस्तेमाल कीजिए परमिशन लेने और देने के लिए, और अगर आप इनफॉर्मल चला सकते हैं बोलचाल की भाषा सही सही तो वहां पर आप कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इनको लिखिए, कुछ और देखते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखिए। ओके, तो जो वर्ड्स आपको अभी बोले उन्हीं तीनों को वापस आगे बढ़ाते हैं कुछ और एग्जांपल्स के साथ और कुछ अलग वेरिएशंस के साथ, कि ही मे रिजाइन इफ ही इज नॉट गिवन अ सैलरी हाइक। एक कॉमन एग्जांपल जो मैं हमेशा क्लासेस में यूज करता हूं, अगर उसकी सैलरी नहीं बढ़ाई गई तो वो रिजाइन कर सकता है, संभावना है इस बात की, जरूरी नहीं है कि वो रिजाइन करेगा, लेकिन हाँ अगर बेटर अपॉर्चुनिटी मिली तो वो जरूर जा सकता है। तो ही मे रिजाइन इफ ही इज नॉट गिवन अ सैलरी हाइक। सिमिलरली इट मे बी डेंजरस टू गो आउट नाउ, यार अब जाना थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि कुछ हादसा हो हमारे साथ, लेकिन इस वक्त जाना रिस्की हो सकता है, इस बात की संभावना है, बेहतर होगा कल चले जाएंगे वहां पर। पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए आप कह सकते हैं इट मे बी डेंजरस टू गो आउट नाउ। वापस कहना चाहूं, ऐसे स्टेटमेंट्स में आप माइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
लिटरल इंग्लिश में यानी भाषा में, एग्जाम में मत कीजिएगा, ये प्रेजेंट में है तो मे लिखिए, पास्ट में है तो माइट लिखिएगा, एग्जाम में थोड़े से रिस्ट्रिक्शन चलते हैं, माफी चाहूंगा। यू कैन गो नाउ, आप जा सकते हैं। यू मे गो नाउ, हाँ आप जा सकते हैं। तो यू कैन गो नाउ मेरी तरफ से आप जा सकते हैं, अब आप जाएं ना जाएं आपकी मर्जी है, और यू मे गो नाउ आप चाहें तो जा सकते हैं। भाषा कई तरह से एक स्टेटमेंट को दिखा सकती है। प्लीज स्टूडेंट्स इस तरह से एरर डिटेक्शन करते हैं, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से जो इस वीडियो को देख रहे हैं। यार यहाँ पे ये नहीं आ सकता, तो ये भी तो आ सकता है। हाँ दोनों आ सकते हैं, किसने मना किया कि दोनों नहीं आ सकते। और जिन एग्जामिनेशंस में इन्हें फिलर की तरह पूछा जाता है मॉडल वर्ब्स को, 100% मेरा भी एक्सपीरियंस है कि वहां पर दोनों नहीं होंगे, ये कैन बी और मे बी है, फिर सर कौन सा पिक करें, वहां ऑप्शंस होंगे और टू, या फिर नीड लिखी है, मस्ट लिखा हुआ है, एक जगह कहीं पर आपको मे लिखा होगा तो मे पिक कर लीजिए, या फिर कैन लिखा है तो कैन पिक कर लीजिएगा। लेकिन हाँ ऐसे एग्जाम्पल्स में जहां परमिशन लेने की बात आए, अक्सर फॉर्मल इंग्लिश में रखती है, बट परमिशन देने के लिए दोनों चीजें जायज हैं, तो आप कैन भी लिख सकते हैं, मे भी लिख सकते हैं, बोथ आर इक्वल। डिपेंड करता है आप फॉर्मल इंग्लिश यूज करते हैं या फिर थोड़ी सी इनफॉर्मल चल जाती है, दोनों सही है। और मैं अपनी तरफ से कहना चाहूं तो एग्जाम वाले मे को प्रेफर करें, स्पोकन वाले कैन को प्रेफर कीजिए, सही दोनों है। यू माइट पे अ लिटिल मोर अटेंशन टू योर अपीयरेंस। इंग्लिश में जैसे मैंने आपसे कहा, माइट का इस्तेमाल लेस पॉसिबिलिटी के लिए भी करते हैं, हाँ प्रेजेंट टेंस में भी किया जाता है, और थोड़ी पॉसिबिलिटी कम दिखाने के लिए माइट का इस्तेमाल कर देते हैं। तो बारिश बिल्कुल नहीं दिख रही मुझे, ना बारिश नहीं हो सकती, लेकिन हो भी सकती है यार, अब इतनी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि बारिश हो सकती है, लेकिन शायद ही हो, लेकिन हो सकती है। तो बेहतर होगा, आपकी मर्जी है, आपका नजरिया है, बट बेहतर होगा वहां पर मे ना होकर माइट का इस्तेमाल करें। ये इन्वेस्टिगेशन है, ये पोस्टमार्टम है मे और माइट का, ये एग्जाम वाले इतना फॉलो ना करें, आपके एग्जामिनेशन में इतना नहीं आता। प्रेजेंट है मे यूज करें, पास्ट है माइट यूज कीजिए। अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है, जो मेरे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं, आपके लिए वर्ड्स हैं, इंग्लिश में लेस पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए या प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए माइट का भी इस्तेमाल करते हैं। और एक अच्छा एग्जांपल लिखा है, यू माइट पे लिटिल मोर अटेंशन टू योर अपीयरेंस। भैया अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अगर ये और कर लेते या ऐसा कुछ कपड़ा पहनते या फिर ऐसे कपड़े अगर आप पहनना शुरू कर दें तो आप बहुत अच्छे लगेंगे। हाँ अभी भी अच्छे हैं आप, और मेरे कहने पर अपना अपीयरेंस चेंज मत कीजिए, लेकिन अगर चाहें तो कुछ ऐसा कर लीजिएगा तो आप और अच्छे लगेंगे। ये मेरा थोड़ा सा आपके लिए सजेशन हो गया, और इस बात की बहुत कम संभावना है कि आप इसे चेंज करेंगे। दिन भर में हर कोई आता है अपना अपना सजेशन दे जाता है, उस केस में बहुत लेस प्रोबेबिलिटी मैंने आपको मार्क की है, इसलिए बेहतर होगा प्रेजेंट टेंस में ही मैं माइट का इस्तेमाल करूं टू इंडिकेट लेस पॉसिबिलिटी, लेस प्रोबेबिलिटी। आई रिपीट, हाँ अगर जनरली आप कहना चाहें आप मे का इस्तेमाल कर सकते हैं, कि आप चाहें तो अपनी वेशभूषा पर थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, नहीं देंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है, पॉसिबिलिटी है, बट और कम अगर मैं उसे कर दूं तो वहां पर माइट लिखना बेहतर होगा। यार इस टाइम वैसे तो नहीं सोता है वो, शायद सो रहा हो, वही बात है, आप लेस पॉसिबिलिटी में माइट लिख सकते हैं। इन दोनों एग्जाम्पल्स में मे लिखना सही है, मे लिखना जायज है। तो ही माइट बी स्लीपिंग, थोड़ी पॉसिबिलिटी कम हो चुकी है, या फिर बिल्कुल इंटरेस्ट है नहीं मेरा उस चीज में, अगर आप मे बी स्लीपिंग कहेंगे वो भी बिल्कुल सही है। ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत अच्छे लिखे हैं, जो इस वीडियो की शुरुआत में आपसे कहे थे, भाई तुम्हें मुझे बताना चाहिए, यू शुड इन्फॉर्म मी, और तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी। अरे देख के चलाओ भाई, कहां चला रहे हो गाड़ी, तुम तो उसमें उसी के अंदर चले गए होते, कहीं ना कहीं बच गए, नहीं तो वहां भी टकरा सकती थी गाड़ी, आप देख के नहीं चला रहे, अब टकरा सकती थी, इसका मतलब शायद टकराई नहीं थी। एक एग्जाम्पल के सहारे लिखा है, स्लो डाउन, भाई गाड़ी धीमे चलाओ, आप गाड़ी कहीं वहीं टकरा जाती तो उसी में चली जाती तो हाँ ठीक है, नहीं गई लेकिन जा सकती थी आप जिस तरह चला रहे थे। यू माइट हैव रन इनटू द वॉल। अब ये might have लिखने के बाद आप वो past की unfulfilled desire दिखाते हैं जो होना चाहिए थी but किसी कारण से नहीं हो पाई या fulfill नहीं हो पाई। जैसे you might not have revealed the secret। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर ऐसा है तो तुम्हें उसे बताना ही नहीं चाहिए था, लेकिन आपने बता दिया, तो आपको ये बात बतानी नहीं चाहिए थी लेकिन आपने बता दी। You might not have revealed the secret। बिकॉज अगर आप इसे माइट रिवील द सीक्रेट कहेंगे तो बता सकते थे, नहीं बता सकते थे, ये मीनिंग आएगा, अरे बताना ही नहीं चाहिए था उसको। उस केस में आप हैव के साथ थर्ड फॉर्म लिखकर उन्हीं एग्जाम्पल्स में यू शुड इन्फॉर्म मी, यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी के वेरिएशंस पर जा सकते हैं। तो कई बार इंग्लिश में माइट के साथ, क्योंकि वो पास्ट की फुलफिल डिजायर होती है, प्रेजेंट में ऐसा नहीं होता, हैव के साथ V3 लिखने के बाद किसी ऐसी अनफुलफिल्ड डिजायर को दिखाते हैं जो हो सकती थी
बट नहीं हो पाई। जैसे आप गाड़ी अगर उल्टी सीधी चलाते तो वहां गिर भी सकती थी, फॉर्चुनेटली नहीं गिरी, अच्छी बात है। अब ऐसा हो गया तो आपको बताने नहीं चाहिए था उसको सीक्रेट, बट आपने बता दिया, या ऐसे किसी भी एग्जांपल से। क्विक रिकॉल स्लाइड का कुछ और देखते हैं। थोड़ा और एडवांस जाना चाहूं कि अगर उसकी सैलरी नहीं बढ़ाई वो रिजाइन कर सकता है, आपकी पॉसिबिलिटी है। वो इस वक्त यार बाहर जाना डेंजरस हो सकता है, पॉसिबिलिटी, हाँ आप चाहें तो जा सकते हैं। परमिशन लेने और देने के लिए मे कैन दोनों इस्तेमाल करते हैं। मे फॉर्मल इंग्लिश है, कैन थोड़ा सा इनफॉर्मल इंग्लिश है, या फिर आपके पर्सनल रिलेटिव्स के सामने, रिलेशंस और फ्रेंड्स के सामने आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ आप चाहें तो थोड़ा बहुत अपने अपीयरेंस पर ध्यान दे सकते हैं, नहीं देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेस पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के लिए माइट का इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में भी करते हैं। शायद सो रहा हो, देखो फोन लगा के देख लो, माइट बी स्लीपिंग, मे बी भी सही है। पर ऐसा हो सकता था, आप गिर भी सकते थे, वो तो भाग्य भरोसा, आप नहीं गिरे, अच्छी बात है। यू माइट हैव गॉन आउट देयर ईटीसी। आप इन्हें लिखिए, थोड़ा सा और देखते हैं। जरा इन दो एग्जांपल्स को और देखिए, कोई बहुत बड़े वर्ड्स नहीं लिखे हैं, छोटी सी लाइन है। अरे ये सर तो बचपन से पता है हमें, गॉड ब्लेस यू, कोई नहीं बोलता गॉड ब्लेसेज यू। हाँ किसी वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, गॉड ब्लेसेज यू भी सही है, माफ कीजिएगा। और गॉड सेव द क्वीन मैं लंबे समय तक लिखाता रहा नरेशन के एग्जांपल्स में, बाद में पता चला ये इंग्लैंड की नेशनल एंथम की तरह भी इस्तेमाल की जाती है, गॉड सेव द क्वीन, क्वीन उन्हीं की तरफ से। नाम नहीं लेना चाहूंगा, माफ कीजिएगा, अगर आपने किसी ने पढ़ी है वो बुक तो माफ कीजिएगा, बट मुझे नहीं समझ में आता कि कौन अथॉरिटी देता है गलत सलत बुक में प्रिंट करने का, वो भी डिस्क्रिप्शन देकर। प्रिंटिंग मिस्टेक हो अलग बात है, डिस्क्रिप्शन कौन गलत पढ़ाता है, माफ कीजिएगा इन शब्दों के लिए। किसी एक बुक में लिखा हुआ है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि गॉड प्लूरल सब्जेक्ट है इसीलिए इसकी वर्ब में एसीएस नहीं आता। तो गॉड ब्लेसेज यू नहीं होता, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट ही गोज टू स्कूल है, सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बावजूद भी उसमें एसीएस, ना ना ना, गॉड प्लूरल सब्जेक्ट होता है इसलिए वर्ब में एसीएस नहीं आता। गॉड प्लूरल सब्जेक्ट होता है इसलिए वर्ब में एसीएस नहीं आता, ठीक है। अगर गॉड प्लूरल सब्जेक्ट है तो कल मुझे अगर ये लाइन लिखनी पड़ी, ये किसी बुक के वर्ड्स हैं, तो माफी चाहूंगा, मेरी तो नहीं है भैया, लेकिन आप लोग इस तरह गलत सलत ना पढ़े, इसलिए कई बार होता है कि कई बुक्स में कई मिस्टेक्स आती हैं इंडियन एडिशंस पर। आखिरकार अगर गॉड प्लूरल सब्जेक्ट है तो फिर कल से मैं ये कहूंगा भगवान हर जगह है, गॉड आर एवरीवेयर, फिर मत लिखिएगा गॉड इज एवरीवेयर, या फिर ऐसा कुछ आप कहना चाहें, तो ऐसा नहीं है। मेरी माफी के साथ मैं माफी मांग रहा हूं, क्या बोलूं कि भैया अगर नहीं पता तो मत लिखो, गलत सलत क्यों प्रिंट करते हैं, बच्चे डाइवर्ट होते हैं। सर बुक में पढ़ा था, ये बुक में लिखा हुआ है, मुझे किसी ने दिखाया था एक्चुअली, वो गलत प्रिंट है जिस भी बुक में है। अगर ये शब्द आपको मिलते हैं कि गॉड प्लूरल सब्जेक्ट है, इंडियन बुक है कोई, इसीलिए उसमें एसीएस नहीं आता, तो माफी, वो गलत है। सच्चाई सिर्फ इतनी सी है जो आप लोग जज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू कोई असर्टिव स्टेटमेंट नहीं है, कोई इंडिकेटिव स्टेटमेंट नहीं है, जहां पर आपने दर्शाया है किसी बात को, बताया है कि वो स्कूल जाता है, वो वहां से आता है जाता है, ये ब्लेसिंग्स हैं। और ब्लेसिंग्स दिखाने के लिए इंग्लिश में एक मॉडल का इस्तेमाल करते हैं जो हमने अभी इसी वीडियो में पढ़ी है, इसीलिए इस बात का मैंने आपसे जिक्र किया। गॉड ब्लेस यू चूंकि ब्लेसिंग्स में आता है और ब्लेसिंग दिखाने के लिए अक्सर मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज मे। भाषा है भाई, जरूरी नहीं है कि मैं पूरे वर्ड्स बोलकर दिखाऊं, तुम, हम डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ देते हैं, जरूरी थोड़ी पूरी लाइंस बोलें, तुम जाओगे। लैंग्वेज में वर्ड्स को ड्रॉप करना बहुत कॉमन है। इस केस में मे यहां पर हिडन है, आप बोलिए, मे गॉड ब्लेस यू भी यूज करते हैं, गॉड ब्लेस यू भी यूज करते हैं। सिमिलरली गॉड सेव द क्वीन, भगवान हमारे राजा की रक्षा करे, भगवान हमारी रानी की रक्षा करे, माँ बाप की रक्षा करे, ईटीसी, ये भी तो दुआएं हैं, और दुआओं के लिए एक मॉडल यूज की जाती है मे। और कॉमन सी बात जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको समझा दी थी, नहीं देखा है प्लीज देख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडल वर्ब्स इन इंग्लिश, कि मॉडल्स के साथ वर्ब की, आप जानते हैं जो मेरे चैनल पर रेगुलर हैं, चार रामबाण जिनमें वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं, प्रपोजिशंस के साथ ऑब्जेक्ट आते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होते हैं, और मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, V2, V3, ING, SES नहीं आता। तो माफी, छोटी सी लाइन के लिए आपने उसको गलत क्यों पढ़ा दिया, जिस भी बुक में लिखा है वो। गॉड ब्लेस यू में गॉड सिंगुलर सब्जेक्ट है, कल तो आप ये कहेंगे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे ये लिखना होगा कि ही शुड गो देयर,
एक एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ कि ही शुड गो देयर, नहीं नहीं गलत है भैया, ही शुड गोज देयर तो नहीं होता, तो ही प्लूरल सब्जेक्ट है यहाँ पर, मॉडल की वजह से वी वन है, उसे ये मत कहिए कि प्लूरल सब्जेक्ट है, ऑफकोर्स ये मैं नहीं लिख सकता, क्यों, बिकॉज मॉडल्स के साथ कभी वी एस ई एस नहीं आ सकती, तो वही बात यहाँ पर है, मॉडल के साथ कभी भी एस ई एस नहीं आती, ये मॉडल के बाद वाली फर्स्ट फॉर्म है, इंडिपेंडेंट ऑफ द सब्जेक्ट नंबर जेंडर टेंस ईटीसी। सिमिलरली May I come in या किसी भी बात को बोलते वक्त वो कम ही रहेगा, वहां पर आप कम्स नहीं कर सकते, मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो गलत सलत किताबों को रेफर ना करें, मैंने कई बार आपसे कहा, और हर बुक में लिखी गई हर चीज स्टैंडर्ड नहीं होती, स्पेशली इंडियन एडिशंस के लिए, तो ये अगर आपने भी पढ़ा हो तो प्लीज माफी चाहूंगा, गॉड ब्लेस यू बिल्कुल सही है, मे गॉड ब्लेस यू बिल्कुल सही है, क्योंकि मॉडल्स के साथ वी वन आती है, गॉड प्लूरल सब्जेक्ट होता है, माफी चाहूंगा, ऐसा मेंशन नहीं है, आप इसे लिखिए, थोड़ा सा और देखते हैं। वेरिएशंस इनके अलावा भी बहुत सारे होते हैं कि कहां पर मे माइट को प्रेजेंट पास्ट में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, वो बहुत डिटेल हो जाएगी, आप लोग कंफ्यूज होंगे, इसीलिए मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा, मैंने कई बार कहा होगा, वापस कह दूं कि एग्जाम्पल तो बाद में रखता हूँ कि हाँ मैं ऑनेस्टली नाउन वगैरह सब वापस पढ़ाऊंगा जब एडवांस्ड ग्रामर होगी, ये सिर्फ आप बेसिक्स पढ़ रहे हैं। तो किसी ने लिखा बी के यूज में सर आपने वो तो बताया नहीं प्रेडिकेट आते हैं क्या आते हैं, भाई मैं वापस अपलोड करूंगा पूरी ग्रामर एडवांस्ड सेक्शन में, उससे पहले मुझे बेसिक्स पढ़ाने हैं, तो ये सारे आपके बेसिक्स हैं। एक एग्जाम्पल और अच्छा लगता है जो मैं बोल देता हूँ, लिखाऊंगा नहीं, आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि ये बुक्स में प्रिंट नहीं होता, हम जो बुक्स पढ़ते हैं उनमें तो बिल्कुल नहीं, कि इंग्लिश में मे का इस्तेमाल तब भी किया जाता है जब उस बात की वैल्यू ना हो, एक अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूं, और उसके अगली बात की वैल्यू ज्यादा है, यानी किसी अगले स्टेटमेंट पर एम्फेसिस डालने के लिए, उसे प्रायोरिटी देने के लिए, उसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाने के लिए पिछले स्टेटमेंट में भी मे का इस्तेमाल करते हैं। अब ये लाइन आपने कभी नहीं पढ़ी होगी, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको वापस पढ़ाऊंगा डिटेल में एडवांस्ड, बट वो बाद में, पहले एक बार बेसिक्स क्लियर कर लें, वो थीम समझ में आ जाए, क्योंकि वो बातें डायरेक्टली वन वर्ड में नहीं समझ आ सकती। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपको वापस पेश किया कि किसी सेकेंड स्टेटमेंट पर एम्फेसिस देने के लिए, जोर डालने के लिए, बेहतर दिखाने के लिए, इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए पहले स्टेटमेंट में मे का इस्तेमाल कर लेते हैं, ये कभी आपने नहीं पढ़ा होगा, अगर हाँ तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा ये आपने नहीं पढ़ा होगा। एग्जाम्पल सर मतलब जैसे मान लीजिए कोई मुझसे वोकैबुलरी पढ़े, इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है मेरी, माफ कीजिएगा, हाँ ग्रामर में एक आध लाइन जरूर आती है, तो अगर वो आपसे बोले कि यार नाना सर अच्छा नहीं पढ़ाते, मैंने कल वोकैब की क्लास ली थी उनकी, इतनी अच्छी नहीं पढ़ाते, नहीं आती उनको इंग्लिश, तो आप उनको ये बोलेंगे यार हो सकता है वोकैब उनकी अच्छी ना हो, मतलब तुम्हें क्लास अच्छी ना लगी हो, लेकिन उनकी ग्रामर ठीक ठाक है, तो देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी फर्स्ट स्टेटमेंट कि आपको वो क्लास अच्छी ना लगी हो लेकिन उनकी ग्रामर बहुत अच्छी है। तो यहां पर जो सेकंड स्टेटमेंट है, इस बात पर एम्फेसिस है कि उनकी ग्रामर अच्छी है, इसके पहले स्टेटमेंट को थोड़ा डाउन दिखाया गया जिससे कि सेकंड स्टेटमेंट को एम्फेसाइज किया जा सके। जैसे अगर मैं कहना चाहूं कि भाई एप्पल आईफोन्स बनाती है या फिर एलजी अपने स्पीकर्स बनाती है, टीवी बनाती है, अब कल अगर एलजी मान लीजिए सॉक्स बनाने लग जाए जो अच्छे ना चले, या एलजी गिटार बनाने लग जाए जो अच्छी ना चले, तो मैं एलजी को पहली बार एक गिटार खरीद कर लाया जो बहुत गंदी निकली, मैं किसी और से बोलूंगा ना ना एलजी के प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं आते ना, मत खरीदना, मैंने गिटार खरीदी बहुत बेकार है, सामने वाले के वर्ड्स यही होंगे यार, हो सकता है कि एलजी की गिटार ठीक ना हो, आई रिपीट, हो सकता है कि एलजी की गिटार ठीक ना आती हो, एलजी के सॉक्स ना अच्छे आते हो, लेकिन टीवी उनकी बहुत अच्छी आती है, उनके भाई साउंड स्पीकर्स वगैरह बहुत अच्छे आते हैं, मतलब बात आपकी वही रही कि जब आपको फर्स्ट स्टेटमेंट की वैल्यू नहीं दिखानी और उसके थ्रू सेकंड स्टेटमेंट पर एम्फेसिस दिखानी है, उस केस में भी फर्स्ट स्टेटमेंट में मे का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस हैं, कभी बाद में देखेंगे। तो इस वीडियो को यही फिनिश करना चाहूं इन वर्ड्स के साथ में, इंग्लिश में मॉडल वर्ब्स के आधार पर मे का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, परमिशन दिखाने के लिए मे आई कम इन, और ब्लेसिंग्स के लिए भी किया जाता है, भगवान आपका भला करे, मे गॉड ब्लेस यू। अपार्ट फ्रॉम दिस इसे पर्पस के लिए और बहुत सारे वेरिएशंस में रखते हैं, माइट का इस्तेमाल पास्ट टेंस में भी करते हैं, ऑफ कोर्स अगर स्टार्टिंग पास्ट में है तो आप माइट को ही इस्तेमाल में लीजिए, लेकिन माइट का इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में भी किया जाता है जब आपको लेस पॉसिबिलिटी मार्क करनी हो।
परमिशन लेनी है अगर फॉर्मल इंग्लिश में तो आप वहां पर मे का इस्तेमाल करें, लेकिन आजकल की नैतिक बोलचाल की भाषा में अपने कॉलीग्स के साथ में मुझे फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, मैं डेली उनके साथ रहता हूं, वहां पर मैं परमिशन कैन की सहायता से भी ले सकता हूं और सिमिलरली आपकी परमिशन देने की बात हो जाती है। इस वीडियो को यहीं खत्म करना चाहूंगा यूज ऑफ मे और माइट के तौर पर। कुछ आपको लगता है आप मुझे कॉमेंट्स में मार्क कर सकते हैं। रिज्यूमिंग दिस सीरीज ऐसा नहीं बंद नहीं करना चाहूंगा, हाँ तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे यूज ऑफ कैन एंड कुड और कुछ बातें जो यहां पर ऐड करनी थी वो वहां पर ऐड कर दूंगा, बिकॉज बाकी दोनों के यूजेज काफी जगह पर सिमिलर हो जाते हैं, डिस्टिंक्शंस बाखूबी हैं। दो तीन नोटिफिकेशंस के साथ कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं कपिल म्यूजिक बॉय हैंडल से, आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं कपिल म्यूजिक बॉय हैंडल से ही, टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर ज्वाइन कीजिए आपकी डाउट्स के लिए, मेरे चैनल पर आपको मेरी क्लासेस के नोटिफिकेशंस रहेंगे कब क्लास है, सर वो यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं आया तो वो आपको सारी मैं अपडेट कर देता हूं, और आप अपनी डाउट्स वगैरह मुझसे वहां पूछ सकते हैं। तो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल विद द सेम नेम, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा। आप मेरा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं विद द सेम नेम इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा, और म्यूजिक का थोड़ा सा शौक है तो एक चैनल जरूर है जो ये था वो आपको डेडिकेट करके कपिल म्यूजिक बॉय, तो आप चाहें तो कुछ सॉन्ग्स वगैरह वहां पर होंगे, एंटरटेन हो सकते हैं। और हाँ, अनअकैडमी पर प्लस एजुकेटर हूँ इन द बैंकिंग स्ट्रीम, तो अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं आपसे अनअकैडमी पर मिलते हैं, डेली क्लासेस रहती हैं आपके प्रैक्टिस सेशंस आपके कोर्सेज के लिए, ग्रामर मॉक टेस्ट ETC। अनअकैडमी इंडिया लार्जेस्ट एंड चीपेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। और हाँ, ना सिर्फ बैंक, SSC, UPSC, PSC, स्टेट लेवल एग्जामिनेशन किसी भी चीज़ का, IIT, NET, ETC, आप किसी भी चीज़ का सब्सक्रिप्शन लेने से पहले मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कपिल सर KAPILSIR, और आपको किसी भी स्ट्रीम में फ्लैट 10% डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। सो अनअकैडमी एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर आप बैंक के हैं तो आपसे ज़रूर वहां मिलना चाहूँगा, जहां पर आप एक बार पे करने के बाद कितने भी टीचर से कितना भी पढ़ सकते हैं। फिनिशिंग दिस वीडियो हियर, वुड लव टू सी यू इन द अपकमिंग वीडियोस फॉर द यूज ऑफ कैन कोड शैल शुड ETC, आगे बढ़ते रहेंगे। दिस इज कपिल देव शर्मा, ऑलवेज वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा। थैंक्स।